छठ है स्पेशल ठकुआ बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटा अगर थोड़ा सा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप घी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी को खूब अच्छे से आटे में हमें मिक्स कर लेना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे दोनों हथेली की सहायता से इसको रगड़ रगड़ के और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप जितना इसको इस तरह से आटे को मलेंगे उतना ही खस्ता ठेकुआ बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पाउडर शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाउडर शुगर इसलिए कि जो ये आटे में जल्दी मिक्स हो जाएगा और खूब अच्छे से इसे मलते रहना है। 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से मले जिससे कि ये खस्ता बनेगा। आटा को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे मलते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सौंफ और 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें कोई रोटी का आटा नहीं तैयार करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से मिक्स करना है। गर्म पानी इसलिए कि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आटा को मिक्स करते हुए 5 मिनट हो गए हैं और चीनी जो है वो अच्छे से इसमें घुल गया है। जो हमने हल्का गुनगुना पानी लिया था वो सारा पानी 1/2 कप इसमें लग गया। तो ये देखिए, ये मुट्ठी बनने पे ये आटा का मुट्ठी बनने लगता है। तो अब हम यहाँ पे आटा को साइड कर लेंगे, ऐसे करके जमा देंगे साइड में और थोड़ा सा मिश्रण लेके मुट्ठी बना के, ये देखिए ऐसे मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी बना के हमें रखनी है। तो इसी तरह हमें सारे आटे का पहले मुट्ठी बना लेना है। ऐसे ही करके जोर जोर से आप दबा के, ऐसे मुट्ठी बनानी है इसकी। ये सारे जो है ठकुआ के लिए मैंने रोल तैयार कर लिया है। अब हम इस ये सांचा आता है स्पेशली इसी के लिए आता है कि आप इस पे जब भी इस पे ठकुआ को बनाएंगे तो ये जो डिजाइन है वो उसके पीछे आ जाते हैं तो वो सुंदर लगता है। अगर ये आपके पास नहीं है, जैसे ये होता है इसमें डिजाइन्स बनी हुई है, आप इस पे भी कर सकते हैं, किसी भी या प्लेन सरफेस पे कर सकते हैं, आप उस पे इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसमें घी लगाएंगे। खूब अच्छे से इस पे घी लगा देना है। ये अच्छे से मैंने लगा लिया। अब ये जो है एक इसमें से लेके हमें मुट्ठी और इस पे डाल के और इसे दबा देना है। ये देखिए, ये डिजाइन इस पे निकल गए। ऐसे ही करके हमें सारे ठकुआ को पहले बना लेना है। अगर साइड से फटती है तो थोड़ा सा उसको ज्वाइन कर दे। ऐसे ही करके हमें पहले सब ठकुआ को शेप दे लेना है। चार से पांच ठकुआ बना लेंगे, फिर आप इस पे घी लगाना होगा आपको, फिर आप इस पे घी लगाएं जिससे ये आसानी से इसका
डिजाइन भी उभरे और इस पे से ये हट भी जाता है, निकल जाता है इसमें से। फोर्स देके, और बहुत पतला नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं छोड़ना है, इसको इस तरह निकालना है, इतना मोटा होना चाहिए। इस तरह हम पहले सब तैयार कर लेते हैं। ये सारे ठकुआ मैंने ठोक लिए हैं अच्छे से, और इसे आप एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा, अलग अलग फैला के, या तो कोई बर्तन में फैला ले या फिर पेपर वगैरह किसी चीज पे अलग अलग रखना है इसे, नहीं तो एक दूसरे पे डालने पे वो चिपक जाता है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। छानने के लिए घी को खूब अच्छे से गर्म करेंगे, और पहले थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये गर्म हो गया है कि नहीं। ये ऊपर आ गया है, यानी कि घी गर्म हो गया है। अब हम पहले एक या दो डाल के पहले फ्राई करेंगे इसको, और गैस को कम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। बस ये एक तरफ से लाल हो गया, अब इसको हल्का सा आप पलट दें, और ध्यान से पलटिएगा, ये टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत खस्ता होता है तो टूटता भी बहुत है। और गैस को कम पे ही इसे फ्राई करना है। इसको आप दोनों तरफ से लाल हो गया और ये अंदर से भी पक गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे पहले हम एक झाड़ पे निकाल के और थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इस पे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसपे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ना है इसे। और तब तक हम और डाल लेते हैं इसमें। आप इसमें बहुत ज्यादा भर के एक बार में नहीं छानेंगे, नहीं तो वो सारा खराब हो जाएगा। चार से पांच ऐसे ही करके छाने, नहीं तो ये टूट जाता है, खस्ता भी बहुत होता है, जिसके कारण बहुत जल्दी टूटता भी है। ये हमारा ठकुआ तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारा ठकुआ छान लेंगे। जो ठकुआ है वो मैंने छान लिया है। आप इसे पहले ठंडा होने दें, फिर स्टोर करें। एक महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं बना के।